रिसेंटली मैंने हाइपर फोकस बुक पढ़ी और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो की लर्निंग्स है जो मैंने इस बुक से सीखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा एक डिटेल्ड बुक समरी के फॉर्म में। ऑथर क्रिस बेली खुद बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे बुक लिखने से पहले, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा बुक लिखूं जिसे मैं खुद पढ़ सकूं अपनी फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए उन्होंने फोकस रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ी और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी लेटेस्ट रिसर्च एंड स्टडीज की गई हैं फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी रिपोर्ट्स भी उन्होंने पढ़ी इस बुक को लिखने से पहले। सो टेक्निकली ये बुक एक कम्प्लीट बुक है जिसमें आपको सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाती है जिससे कि आपका फोकस 10 गुना बढ़ जाए। जो पहला लेसन जो मैंने सीखा इस बुक से वो है स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। ऑथर ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के ऑन एन एवरेज 40% काम तो हैबिट में ही करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हैबिट उसे कहते हैं जिसे करते वक्त आप अपना कॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए जैसे ही आपको कोई मैसेज करता है और आप नोटिफिकेशन बेल साउंड सुनते हो तो तुरंत ही आप काम छोड़कर उस मैसेज को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, या फिर जब भी आप रात को सोने जाते हो तो आपका दिमाग सोचना बंद करता ही नहीं है, जबकि आपको पता है कि आपके लिए अभी सोना बहुत ज्यादा जरूरी है कल का दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए। जिस तरह हम वैसे दिखते हैं जैसे हमारी डाइट है, उसी तरह हमारी जिंदगी भी वैसी ही होगी जहां पर हम अपना सबसे ज्यादा अटेंशन देते हैं। ऑथर क्रिस बेली के अनुसार अटेंशन ही एक की कॉम्पोनेंट है एक प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव इंसान में। अपने अटेंशन को दिन के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क में लगाए रखना और डिस्ट्रैक्टेड होते ही अपने उस टास्क पे फिर से अपना अटेंशन लगाना सबसे जरूरी हैबिट है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाती है। इसीलिए ऑथर आपको ऑटो पायलट मोड ठीक करने के लिए आपको एक टास्क ग्रिड बनाने को सजेस्ट करते हैं जिसमें वर्टिकली टास्क प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव है और हॉरिजॉन्टली अनअट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव। जो टास्क प्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव है उसे नेसेसरी वर्क कहते हैं। ये वो काम है जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए नेसेसरी वर्क है पढ़ाई करना जो कि प्रोडक्टिव है, और अनअट्रैक्टिव भी है जिस वजह से हमें पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर बढ़िया कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव टास्क को कहते हैं अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जिसे करने से आपके लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है। ये वो काम है जो हम तब करते हैं जब हमें नेसेसरी वर्क करने से बचना होता है। पढ़ाई करते वक्त बार बार किचन में जाना या फिर बहाने ढूंढना पढ़ाई ना करने के को हम अननेसेसरी वर्क कह सकते हैं। जो काम अनप्रोडक्टिव है पर अट्रैक्टिव है उसे ऑथर डिस्ट्रैक्टिंग वर्क कहते हैं। ये वो काम है जिसे करने में आपको मजा आता है और करना इजी भी है। डिस्ट्रैक्शन वर्क में सोशल मीडिया यूज करना, लोगों से चैट करना, बहुत सारी मूवीज देखना, ये सारी चीजें आती है। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट में जिससे कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा और बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि है वो टास्क जो कि प्रोडक्टिव है और अट्रैक्टिव भी है, जिसे ऑथर पर्पसफुल टास्क कहते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए पर्पसफुल टास्क है मार्केट स्टडी करना, लेटेस्ट डेटा को एनालाइज करना, फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करना। अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो आपका पर्पसफुल वर्क है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे भी हैं तो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना और उनके साथ बहुत सारी डिफरेंट हॉबी स्टार्ट करना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ क्रिएटिव और रोमांटिक करना, ये भी एक पर्पसफुल वर्क ही है। तो मैंने इस टास्क ग्रिड से ये सीखा कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग पहले दो क्वाड्रेंट पे अपना अटेंशन देते हैं पूरे दिन, यानी नेसेसरी वर्क एंड पर्पसफुल वर्क पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिससे कि उनके लाइफ में बैलेंस बना रहता है और वो ज्यादा अचीव भी कर लेते हैं अपने करियर में और अपनी रिलेशनशिप में। दूसरा लर्निंग जो मैंने इस बुक से सीखा वो है आवर अटेंशन इज लिमिटेड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर फोकस, यानी हमारा ब्रेन बहुत ही कम चीजों पर फोकस कर सकता है। टिमोथी विल्सन जो कि एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, वो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेंसरी एक्सपीरियंस से हर एक सेकेंड,
लेकिन उन 11 मिलियन बिट्स में हमारा ब्रेन सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे कॉन्शियसली प्रोसेस कर पाता है। इसीलिए हम एक बार में दो लोगों को अलग अलग बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बातचीत ही आपके ब्रेन की पूरी कैपेसिटी को यूज कर लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, सबसे पहले आप उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। समझते वक्त आप इमेजिन भी करते हैं कि वो क्यों बोल रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है, और साथ ही साथ आप अपने ब्रेन में उसका रिस्पॉन्स भी हम तैयार करते हैं कि हम उसे कैसे आंसर करेंगे। यानी इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन बहुत ही लिमिटेड चीजों पर फोकस कर सकता है। इसीलिए ऑथर अब इंट्रोड्यूस करते हैं अटेंशनल स्पेस के बारे में। अटेंशनल स्पेस का मतलब होता है कि कितनी मेंटल कैपेसिटी अवेलेबल है किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए और उसे सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए। ऑथर अटेंशनल स्पेस को दिमाग का रैम भी कहते हैं। जैसे कि किसी भी फोन में अगर ज्यादा रैम है तो उसका ये मतलब होता है कि वो फोन मल्टीपल हाई एंड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस और गेम्स को आराम से प्रोसेस कर सकता है। उसी तरह अटेंशनल स्पेस अगर हमारा ज्यादा है तो हम बहुत सारे चीजों पर फोकस कर सकते हैं या फिर किसी एक चीज पर ही इंटेंस अटेंशन देकर उस काम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो चलिए एक टेस्ट करते हैं कि अभी आपके अटेंशनल स्पेस में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख रहे हो और इस समरी को समझने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कि आप साथ ही साथ सजेस्टेड वीडियोस भी देख रहे हो और आपका ध्यान कमेंट्स पे भी है। शाम को आपको क्या करना है आपके दिमाग में वो भी चल रहा है, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में चल रही होगी। यही है आपका अटेंशनल स्पेस। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि अटेंशनल स्पेस को बेहतर तरीके से कैसे यूज करें। इमेजिन करते हैं कि ये एक बड़ा सा सर्कल है जिसे हम अटेंशनल स्पेस मान लेते हैं, और ये दो छोटे छोटे सर्कल्स टास्क 1 और टास्क 2 हैं। तो ऑथर का ये कहना है कि आप अपने अटेंशनल स्पेस में जितना ज्यादा टास्क ऐड करोगे, आप उतने ही अनप्रोडक्टिव बनते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टास्क 1 है पढ़ाई करना और टास्क 2 है टीवी देखना, तो आप दोनों टास्क में फेल हो रहे हो। ना तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और ना ही आप टीवी ढंग से देख पा रहे हो। लेकिन अगर आप एक ही टास्क को अपना पूरा अटेंशन दो, तो ये छोटा सा सर्कल आपके अटेंशनल स्पेस को बहुत कवर कर लेगा, जिससे कि ये होगा कि आप उस काम को जल्दी समझ पाओगे और साथ ही साथ जल्दी प्रोसेस भी कर पाओगे और उसे जल्दी खत्म भी कर पाओगे। और इसी टेक्निक को ऑथर क्रिस बेली डिफाइन करते हैं हाइपर फोकस। यानी आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को अपने अटेंशनल स्पेस में काम करने दे रहे हो, और जैसे ही आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी एक और सर्कल आपके अटेंशनल स्पेस में आता है, तो आप उसे हटा के फिर से आप मेन टास्क पे फोकस करते हो। इसी को कहते हैं हाइपर फोकस। हाइपर फोकस को करने के लिए 4 स्टेज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है, आपको एक सबसे प्रोडक्टिव टास्क चुनना है। दूसरा, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे एलिमिनेट करना है वो प्रोडक्टिव काम करने से पहले ही। तीसरा, आपको फुल अटेंशन के साथ आपको उस काम को करना है। और आखिरी, जैसे ही आप रियलाइज करते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो आपको अपना फुल अटेंशन के साथ फिर से उस काम में लगे रहना है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये सीखा कि हमें सिर्फ एक काम पे फोकस करना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट होते ही फिर से उसी काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी अटेंशनल स्पेस में जितनी कम टास्क होंगी, हम उतने प्रोडक्टिव होंगे और हम उतने जल्दी कोई भी चीज को सीख पाएंगे और खत्म कर पाएंगे। तीसरा लर्निंग जो मैंने हाइपर फोकस बुक से सीखा, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग इंटेंशन इन डेली लाइफ। पिछले कुछ दशकों से पीटर गोलविजर, जो कि बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी फेमस थ्योरी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। पीटर का ये मानना है कि कोई गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप उसे स्पेसिफिक रखते हो और साथ ही साथ आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होती है। अगर एग्जाम्पल में समझाऊं तो अगर आपका डेली गोल है वर्कआउट करना, हेल्दी डाइट लेना और जल्दी सो जाना, तो क्रिस बेली के अनुसार ये सारे गोल्स एक वेग गोल्स है। यानी ये ना तो स्पेसिफिक है और ना ही इनके पीछे का इंटेंशन क्लियर है। तो आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है गोल से आपको ये गोल सेट करना है कि शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक मैं पार्क में वर्कआउट करूंगा, क्योंकि मुझे अपना वेट लूज करना है और मुझे फिट बनना है। इस गोल में आप स्पेसिफिक भी हो कि आपको वर्कआउट क्यों करना है और साथ ही साथ आपका इंटेंशन भी क्लियर है।
एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर आपका गोल है टाइम पे सोना, आपको ये गोल सेट करना है कि आज रात में 10 बजे सो जाऊंगा क्योंकि कल मेरी 9 बजे मीटिंग है, क्योंकि मुझे उस मीटिंग में बिल्कुल अलर्ट रहना है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है। यहाँ पर भी आप स्पेसिफिक है और आपकी इंटेंशन क्लियर है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट से ये सीखा कि हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे वेग गोल्स हैं, जैसे कि बहुत पैसे कमाने या फिर बड़ा घर लेना है, लेकिन जैसे ही आप स्पेसिफिक हो जाते हो अपने गोल्स को लेकर, यानी मुझे आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं या फिर मुझे उस एरिया में 3 BHK अपार्टमेंट लेनी है, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको उसे अचीव करने के लिए हमेशा रिवाइंड करता रहता है, जिससे कि आपके गोल अचीव करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और आप वो गोल अचीव कर भी लेते हो। चौथा लर्निंग जो मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सीखा वो है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस विल इंक्रीज योर अटेंशनल स्पेस। हमारा गोल यही होना चाहिए कि हमें अपने अटेंशनल स्पेस को बढ़ाना है, यानी हम एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में। इसके फायदे ये होंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने गोल्स अचीव कर पाओगे और बर्नआउट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार लाइफ में बहुत कुछ करना है और उसके लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। अटेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आपको 3 चीजें करनी है, पहला मेडिटेशन, दूसरा माइंडफुलनेस, तीसरा प्रैक्टिस हाइपर फोकस। मेडिटेशन में हम सिर्फ एक काम पे फोकस करते हैं, जैसे कि अपने ब्रीदिंग पे या फिर विजुअलाइजेशन पे, लेकिन माइंडफुलनेस में हम ये सोचते हैं कि हमारे ब्रेन में अभी चल क्या रहा है, जिसे ऑथर कहते हैं मेटा अवेयरनेस, जहाँ पे आपको पता है कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या इससे आपके काम पे कोई असर पड़ने वाला है, क्या इससे आपके रिलेशनशिप में कुछ असर पड़ने वाला है। इसीलिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए। तीसरा टेक्निक, इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें हाइपर फोकस प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 45 मिनट्स का टाइमर सेट करके बुक्स पढ़ता हूँ और जैसे ही कोई थॉट मेरे दिमाग में आती है उसे मैं अपने नोटबुक में लिख लेता हूँ। इससे वो थॉट ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से हट जाती है और मैं बुक पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। इससे मैं 2 चीजें एक साथ कर पाता हूँ, पहला मैं हाइपर फोकस कर रहा हूँ, दूसरा मैं माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब भी कोई थॉट आ रही है तो मैं अपने नोटबुक में लिख ले रहा हूँ, जिससे कि मैं अवेयर हो पा रहा हूँ कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसे आप भी ट्राई कर सकते हो अपनी अटेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए। पांचवा और आखिरी लेसन जो मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सीखा वो है पावर ऑफ स्कैटर फोकस। जिस तरह हाइपर फोकस में आप अटेंशनल स्पेस में सिर्फ एक टास्क पे फोकस करते हो, उसका ठीक उल्टा है स्कैटर फोकस, जहां पे आप अपने ब्रेन को अलाउ करते हो कि वो खुल के सोचे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में और वो आपको आइडिया दे या फिर आपको सॉल्यूशंस दे। जैसे हाइपर फोकस आपको प्रोडक्टिव बनाता है, उसी तरह स्कैटर फोकस आपको क्रिएटिव बनाता है। ऑथर के अनुसार स्कैटर फोकस भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उस वक्त स्कैटर फोकस से प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं है। स्कैटर फोकस 2 टाइप के होते हैं, पहला इंटेंशनल स्कैटर फोकस और दूसरा अन इंटेंशनल स्कैटर फोकस। जब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीजों पर फोकस करता है या फिर आपके ब्रेन में बहुत सारी ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं और आपको उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो उसे अनइंटेंशनल स्कैटर फोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आती हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके मेन टास्क से। इंटेंशनल स्कैटर फोकस में आप फुल्ली अवेयर होते हो, आप अपने ब्रेन को कहते हो कि तुम इस बारे में सोचो और मुझे आइडिया दो। आप अलाउ करते हो और फ्रीडम देते हो अपने आप को कि वो जो चाहे वो सोच सके। इंटेंशनल स्कैटर फोकस 3 तरीके से आप कर सकते हो, पहला है कैप्चर मोड, दूसरा है प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड, तीसरा है हैबिचुअल मोड। कैप्चर मोड में आप अपने ब्रेन में आने वाली क्रिएटिव या कोई भी काम की आइडिया को कैप्चर करते हो, यानी आप उसे कहीं पे नोट कर लेते हो। इससे आपको वो आइडिया याद रहता है और बाद में आप उस आइडिया पे काम कर सकते हो। दूसरा, प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड में आप किसी भी एक प्रॉब्लम पे बहुत डीप सोचते हो और आप उसका हल निकालने की कोशिश करते हो। जब भी आपके फैमिली या रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड को जरूर ट्राई कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव भी है।
हैबिचुअल मोड में आप डीप सोचते हो, लेकिन साथ ही साथ आप कोई ऐसा काम करते हो जिसकी आपको हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप शावर लेते वक्त भी किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच सकते हो। किसी पार्क में वॉक करते करते आप अपनी अगली करियर डिसीजन के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप खाना खाते वक्त भी सोच सकते हो। आपको ये करना है कि एक हैबिट के साथ आपको स्कैटर फोकस करना है। इसी को कहते हैं हैबिचुअल मोड। इन दी एंड मैं आपको यही कहूंगा कि हम हमेशा हाइपर फोकस नहीं कर सकते, यानी हमारी ब्रेन की एक लिमिटेशन है, इसीलिए स्कैटर फोकस आपके ब्रेन को रिचार्ज करता है। मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डेली लाइफ में दोनों हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को यूज करिए और अपने गोल्स को जल्दी अचीव करिए। तो ये थी हाइपर फोकस बुक की डिटेल समरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। अगर इस वीडियो से आपने एक भी नई चीज सीखी है तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि वो भी हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के बारे में जान सके और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके।